ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला जी के माता और पिता ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है गोल्डी बरार को लेकर। उन्होंने साथ ही अपने बेटे को लेकर ये भी कहा है कि मेरा बेटा हथियारों का शौकीन था लेकिन कातिल नहीं, जो कि गोल्डी और लॉरेंस उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको बता दें विदेश से आने के बाद पहली बार आज, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि संडे के दिन माता पिता जो हैं फैंस से रूबरू होकर फैंस को संबोधित करते हुए अपनी बात रखेंगे। जी हाँ, आज माता पिता ने इंटरव्यू भी दिया गोल्डी और लॉरेंस को लेकर, और पंजाब पुलिस के बारे में भी काफी सारी बातें कही, कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी सारी बातें जो है अपनी रख डाली है माता पिता ने। कहा गोली का बदला गोली से लेंगे। आज साफ तौर पे माता पिता ने जो है बड़ी बात कह डाली है हत्यारों को लेकर। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे वो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और वो बातें भी सुनवाएंगे माता पिता के मुंह से जो उन्होंने गोल्डी और लॉरेंस को लेकर कही है। साफ तौर पे जो है आपको बता दें पूरी तरह से ललकारा है हत्यारों को माता और पिता ने अपने बेटे के हत्या को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देवता समान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के मामले को करीब 3.5 महीने को होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक दोस्तों इस मामले में नए नए खुलासे ही होते जा रहे हैं, सिर्फ सबूत ही जुटाए जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले जी के हत्याकांड में शूटर्स की गिरफ्तारी तो लगातार होती जा रही है, वहीं हाल ही में आपको बता दें 3 नए गैंगस्टर अरेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद इस पर अब सिद्धू के पिता और माता जी का जो है साफ तौर पर बयान आया है। सिद्धू मूसेवाले जी के पिता और माता ने कहा कि गिरफ्तारी इसका कोई हल नहीं है, गोली का बदला तो सिर्फ गोली होना चाहिए। इससे पहले सिद्धू के पिता ने इस हत्याकांड के पीछे कुछ गायकों और राजनीतिक लोगों का हाथ भी बताया था। वहीं आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले जी के पिताजी ने लोगों से कहा था कि उनके बेटे का कत्ल इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने थोड़े समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली। इतना ही नहीं, आज इंटरव्यू देते देते माता चरण कौर जी जो है भावुक हो उठी, जो कि वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी ही गहरी बात कही है हत्यारों को लेकर माता चरण कौर जी ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें दिन दिहाड़े जो है धमकियां दी जा रही है, अरेस्ट करने से क्या होता है, अब हम गोली का बदला गोली लेंगे, गोली से लेंगे। उन्होंने ये भी कहा एनकाउंटर भी कोई हल नहीं है, हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी उसका एनकाउंटर होने के बाद, क्यों दी जा रही है उसको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, 100-100 मुकदमे होने के बाद भी इन हत्यारों को सिर्फ अरेस्ट किया जा रहा है, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा। मेरे निर्दोष बेटे को मार डाला, हमारे कई सारे सपने अधूरे रह गए। हम माँ बाप ने बचपन से ही सिद्धू को लेकर कई सारे सपने बुने थे, कई सारे सपने देखे थे, मेरे निर्दोष बेटे को खा गए ये हत्यारे। तो वहीं पिता बलकौर सिंह जी ने ये कहा कि सरकार जो है नाइंसाफी कर सकती है लेकिन मुझे ऊपर वाले से पूरी तरह से उम्मीद है, मुझे वाहे गुरु पर पूरी तरह से विश्वास है, भगवान पर मुझे विश्वास है, वो मुझे इंसाफ जरूर दिलवाएगा, मैं अपने बेटे का इंसाफ लेकर रहूंगा। अब बहुत हो गया कैंडल मार्च निकालना, अब बहुत हो गया शांतिपूर्ण आंदोलन करना, अब गोली का बदला सिर्फ गोली से। जी हाँ दोस्तों, जब से माता पिता ने ये बात कही है गोली का बदला गोली से, तब से पूरे पंजाब में जो है तहलका सा मच गया, क्योंकि दोस्तों माता पिता काफी लंबे वक्त से फैंस के साथ जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक जो है जस्टिस की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाया है। और अब गुस्से में आग बबोला होते हुए माता पिता का जो ये रोष है, गुस्सा है हत्यारों के प्रति, वो शब्द निकल उठे हैं। आपको बता दें 1 महीना पहले भी पेरेंट्स ने ये कहा था कि दोस्तों उनके बेटे का कत्ल इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने थोड़े समय में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, तरक्की, दौलत, शौहरत सब कुछ हासिल कर ली थी। पेरेंट्स ने यह भी कहा था सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर कि सिद्धू के कत्ल के जिम्मेदार कुछ गायक भी हैं, कुछ उसके दोस्त भी हैं जो नहीं चाहते थे सिद्धू अच्छा गाए, अच्छा कमाए, अच्छा तरक्की करे, लेकिन सिद्धू की हत्या करवाने वाले ये गायक अब कभी भी तरक्की नहीं करेंगे, मेरी बद्दुआ। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस मामले में रविवार यानी कि आज पंजाब के DGP गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिद्धू के शूटर्स और आतंकवादियों के नेक्सस के बीच मजबूत गठजोड़ की बात सामने आई है। जी हाँ, बड़ा खुलासा हुआ है, इस गठजोड़ का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी
आईएसआई उठा रही है। तो वहीं पंजाब पुलिस इस मामले की जांच सलमान खान के मामले के साथ जोड़कर भी कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल सलमान खान पर हमला करने का प्लान बनाया था। इस एंगल को भी जांच में शामिल किया गया है सिद्धू मूसेवाले जी के मर्डर केस के साथ। वहीं शुरुआती पूछताछ में पता चला है दोस्तों कि सलमान खान पर हमले की साजिश रची गई थी। वहीं जब डीजीपी ने गौड़े गोल्डे बरार के बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कपिल पंडित से पूछताछ में सलमान खान पर हमले की योजना के बारे में खुलासे हुए हैं, अधिक सुराग पाने के लिए दूसरों से भी पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाले जी के हत्याकांड को लेकर डीजीपी गौरव यादव ने यह भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि पुलिस पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने मूसेवाले जी के हत्यारों की मदद की थी। मूसेवाले जी के पिता ने कुछ नाम बताए थे जिन्हें भी पूछताछ के बाद जो है चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कुछ गायकों के भी नाम लिए थे। इसके अलावा रिंडा और लांडा गैंगस्टर को भी चिन्हित करने की बात कही है इस चार्जशीट की। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें लांडा के नेटवर्क में 25 सदस्य हैं जिन्हें कई मामलों में नामित किया गया है। मूसेवाले जी हत्याकांड केस में अब तक 35 आरोपियों में से 23 को गिरफ्तार किया जा चुका है दोस्तों। तो वहीं माता पिता बलकौर सिंह जी और माँ चरण कौर जी जो है पुलिस के इस कार्रवाई से नाखुश हैं पूरी तरह से। उन्होंने साफ साफ इल्जाम लगाया है और उनका इल्जाम लगाना भी सही है क्योंकि 3.5 महीने हो गए हैं उनके जवान बेटे की हत्या हुए और अब तक उन्हें इंसाफ मिलने का नाम नहीं मिल रहा है। बिल में छुपा हुआ है गोल्डी बरार जो रोज धमकियां दे रहा है, माता पिता को भी मारने की साजिश रच रहा है और साफ तौर पर जो है ईमेल भी भेज डाला। आपको बता दें इस वक्त जो है सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को जो है वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिल ही रहा है जिससे नाखुश है माता पिता और उन्होंने वीडियो में साफ साफ जो है गोल्डी और लॉरेंस को लेकर बड़ी बात कही है, गोली का बदला गोली से लेंगे। सुनिए जरा एक एक बात इस वीडियो के अंदर जो माता पिता ने कही है। एक सार जवाक सी, इन्होंने उन्हें बिल्कुल बेकसूरा मारता, इन्हों जड़ा पट्टिया जाने सू सिस्टम के उत्ते तो शायद कोई किंतु परंतु हो सकता लेकिन वो अदालत के उत्ते सा भरोसा है इन्हों जड़ा पट्टिया जाने कह रहे जी संभाल रहे हैं तो इसलिए कह रहे उन्होंने पता भी मन लैन मेरी गल गोली का मसला गोली सीधी गल है, गिरफ्तारी किसी चीज का हल नहीं है, हो सकता हल एनकाउंटर भी नहीं है, पर चाहते की ने ये वापसी क्यों नहीं करते, 100-100 परचे तो बाद भी जो इनकाउंटर नहीं करोगे तो फिर कदों करोगे, जब फिर सानू मरने लिए तैयार रहना पड़ेगा। बस सीधी गल जाए मरने जी मरेंगे जी एक तो मरूगा तो मां तो हूं मेरा तो सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक है साडा तो सारा कुछ खत्म हो गया, जो भी साढ़े सपने से खत्म हो गए, साडा इन्ना वधिया जवाक से खत्म हो गया, निक्के जी तो लैके इत्थे तक लियाउणा एक मां दे लई जां एक बाप दे लई किड्डी वड्डी गल हुंदी है। ते इह जालम बैठे किसी ने कहता तां उहनूं मार दो, उहनूं मारता किसी ने, क्यों साडे जवाक क्यों मरे जांदे है, इह आप क्यों नहीं मरदे, जे इन्हां दे कोई तकलीफ है साडे जवाकां नूं इह भरा क्यों कहिंदे है, वी उह साडा भरा मारता सी उह भरा दा बदला लैणा चाहुंदे आ, किहड़े किस पक्ष तों इह भरा हो गए उहनां दे, उन्हों का की किता इन्हों का की किता। कल एक कुलदीप जी कह रहे से पुछ रहे थे भी जी सिक्योरिटी लीक की हैगी जवाब ही नहीं है कोई, हाँ होगी गलती होगी छोटी गलती होगी साडा जवाक मर गया, हल तक कोई कुछ नहीं उन्होंने कहा है इन्होंने, गलती को सुधारा जा सकता है लेकिन बेटे को वापस लाया जा सकता है भाई, उन्होंने तो गलती करके पल्ला झाड़ता। ठीक है मैं एक साधारण व्यक्ति हाँ, मैं किसी से कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, मैं निहत्था हाँ, पर मेरी अपील उस डाढ़े रब को है, तुसी मेरा फक्कर मारिया, तुसी मेरा साध मारिया, जे उजड़ के ना गए तो मैनू भी जट का पुतना करो, उजड़ों गए सारे लिखा एक नहीं रहा, तुसी देखे कतल पहला भी हुए ने किसी च दो गिरफ्तारियां गए तीन तो वो हुई वाडा तो रखे ना, ठीक है दिल्ली पुलिस काम करती है, मैं सल्यूट करता इस गल की यार, उन्होंने आउटपुट फिर भी बहुत बढ़िया है।